मसल का साइज जल्दी कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आजकल हर किसी को जल्दी जल्दी बॉडी बनानी है। तो मैं आपको बताऊंगा मसल साइज ग्रो करने की सबसे फास्ट ट्रिक। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दे। तो आइए बात करते हैं मसल ग्रो जल्दी कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वार्म अप की। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वार्म अप, क्योंकि जब आप अच्छे से वार्म अप करोगे तो आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और अगर आप इंजरी फ्री रहते हो तो आप जिम में भी रेगुलर रहोगे और वेट भी लिफ्ट हैवी करोगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 10 से 15 मिनट आराम से वार्म अप करें, उसके बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करें। वार्म अप के बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज की करेक्ट फॉर्म की। जितना हो सके अच्छे से करेक्ट फॉर्म में एक्सरसाइज करें, हैवी वेट उठाने के चक्कर में अपनी फॉर्म को ना खराब करें। जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से वेट लगाएं और रेंज ऑफ मोशन पे ध्यान दें। हर एक रेपिटेशन आपको फील होना चाहिए, हर सेट के 6 से 10 रेपिटेशन लगाएं हैवी वेट के साथ। हैवी वेट का मतलब ये है जिसे आप 6 से 10 रेपिटेशन निकालने में भी आपकी हालत ख़राब हो जाए, और वो भी बिना सपोर्ट के। आपकी फॉर्म जितनी अच्छी होगी उतने ही उस एक्सरसाइज का प्रॉफिट उठा पाओगे और मसल बिल्ड कर पाओगे। जब आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हो करेक्ट फॉर्म के साथ, तो आपकी हर एक रेपिटेशन आपकी मसल को हिट करती है, और इससे आपकी मसल ब्रेक होने लगती है और फिर आपको पंपिंग दिखती है। पंपिंग टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो किसी भी मसल की, तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, जिस वजह से हमें कुछ टाइम के लिए अच्छी पंपिंग दिखती है, और जब धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है तो आपकी पंपिंग भी ख़त्म होने लगती है। तो आइए बात करते हैं उस पंपिंग को मसल गेन में यूज़ कैसे करें। इसके लिए आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, ताकि जो मसल जिम में तोड़ के आए हो उसे रिकवर कर सको उस डाइट से। मसल गेन में आपको प्रोटीन की उतनी नीड नहीं होती जितनी कि गुड कार्ब्स और गुड फैट की होती है, क्योंकि प्रोटीन आपकी मसल को हील करता है। जो वर्कआउट करते टाइम आप उसे ब्रेक करके आए थे वहाँ की मसल को, एंड वहीं कार्ब्स और फैट मसल को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और आपको जिम में एनर्जी देते हैं अच्छे से वर्कआउट करने के लिए। तो आइए बात करते हैं उस मील की। तो प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील अच्छे से लें, जिसमें गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स और फैट सब कुछ हो। अब प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील पे हम बाद में वीडियो बनाएंगे। तो बात करते हैं आप ओवर ट्रेनिंग की। ओवर ट्रेनिंग करने से आपकी मसल सही से रिकवर नहीं हो पाती और मसल गेन नहीं कर पाती। हर मसल पार्ट वीक में 2 बार ट्रेन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 एक्सरसाइज करें। बट बहुत लोग क्या करते हैं, जिम में आते हैं और सिर्फ अपने बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और चेस्ट पे ही लगे रहते हैं, बाकी उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं होता और उसे ही ट्रेन करते रहते हैं बस, और फिर बोलते हैं मसल गेन नहीं हो रहा। आपको हर एक बॉडी पार्ट पे फोकस रहना पड़ेगा मसल गेन करने के लिए। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है गेनिंग में भी या फिर कटिंग में भी, वो है रेस्ट। आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए अगर मसल बिल्ड करनी है तो, क्योंकि स्लीप टाइम में ही हमारी बॉडी अच्छे से रिकवर होती है, जो हमारे मसल टिश्यू जिम में ब्रेक हुए होते हैं उन्हें रिपेयर करने में। तो आपको प्रॉपर 6 से 8 घंटे की नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। जितना मसल को रेस्ट मिलेगा उतना ही जल्दी मसल रिकवर होगी और ग्रो करेगी। अब बात करते हैं पोजिंग की, जो कि मुझे लगता है ये हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करने के बाद फ्री पोजिंग करते हैं तो उससे भी हमें बहुत हेल्प मिलती है। उससे हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी में क्या कमी है और हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। रेगुलर पोजिंग करने से मसल सेपरेशन भी अच्छे होने लगती है, और अगर आपको कंपटीशन खेलना है तो उसकी भी प्रैक्टिस होती रहती है। तो ये थी कुछ बातें जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए मसल गेन करते टाइम। तो आपको एक बार फिर से ये 6 पॉइंट बता देता हूँ मैं, जिसपे हमने बात की है वीडियो में। पहले पे आता है वार्म अप, दूसरे पे आता है एक्सरसाइज की करेक्ट फॉर्म, तीसरे पे आती है ओवर ट्रेनिंग, चौथे पे आता है हैवी वेट, और पांचवे पे आता है डाइट एंड न्यूट्रिशन और रेस्ट, फिर छठे पे आता है पोजिंग। हैवी वेट आप चेस्ट प्रेस, स्क्वाट, डेडलिफ्ट और शोल्डर प्रेस पे अच्छे से लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।